वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ए प्रोटॉन एक्सेलेटेड थ्रू द वन पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो ये मान लो ये प्लस प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया प्लस से माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन छोड़ूंगा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा तभी एक्सेलरेट करेगा, तो ये एक्सेलरेट कर रहा, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वन वोल्ट की है। मतलब अगर इसका पोटेंशियल वी वन है, इस प्लेट का वी टू है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वन वोल्ट दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी, अब इसकी जो अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, तो अब सोचो प्यारे बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ आ रहा है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वर्क डन क्या होता है ई वी, तो ये हमें पहले से पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर ई वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ई और वी और मल्टीप्लाई इतना होता, तो वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है तो 1 ई इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 ई वोल्ट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ ये हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जूल में देखोगे तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर देना। चलो